God bless you, my brothers and sisters, and God's hand be upon you throughout this day. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे मित्रों और परमेश्वर का हाथ आप सबके संग बना रहे. Ephesians chapter 6 talks about the full armor of God. और इफिसियों की पत्री उसके छठे अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के उस आत्मिक युद्ध के लिए दिए गए हथियारों के लिए. And in verse 13 there is one phrase which says stand firm. और उसके 13वें वचन में एक ऐसा वचन का दूसरे भाग में लिखा है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. This is Christian's posture in spiritual warfare. और ये एक मसीहे का एक स्थान है एक लड़ाई के दौरान कि उसे स्थिर खड़े रहना है. With the full armor of God. कि परमेश्वर के उस पूरे सुरक्षा कवच को पहनकर. Now this is a military term. और ये एक सेना में प्रयोग किया जाने वाला वचन है. No doubt we as Christians are in a battlefield. और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम भी मसीह होते हुए एक लड़ाई के मैदान में हैं. We are engaged in a spiritual warfare. और हम एक आत्मिक लड़ाई में जूझ रहे हैं. This is something that many believers do not know. और ये एक ऐसी बात है जो कई सारे विश्वासी नहीं जानते. Of course, unbelievers, nominal Christians, they have no idea what Christian life is. और क्योंकि कई सारे जो साधारण रूप से मसीह जो खुद को मसीह या ईसाई कहते हैं या जो मसीहत को नहीं जानते वो नहीं जानते कि सच्चा जीवन कैसा होता है. We need to understand what this Christian life is, what is his life. और इसलिए हमें ये समझना है कि ये मसीही जीवन होता क्या है. We are in a spiritual warfare. हम एक आत्मिक युद्ध में जूझ रहे हैं. Christians are in a warfare, in a battlefield. और याद रखिए मसीही एक युद्ध के मैदान में मौजूद है. It is a word of command that captains use different occasions to their soldiers. और ये एक आज्ञा या एक आज्ञा का वचन है जिसको कई सारे अगवे प्रयोग करते हैं लड़ाई के दौरान. This expression means at least three things. और इस वचन का इस वाक्य का मतलब लगभग तीन है. Stand firm is opposed to a cowardly flight. Running away. और स्थिर खड़े रहने का मतलब ये है कि जो डर कर भागना नहीं. और it is yielding to the enemy. या दूसरे शब्दों में खुद को शत्रुओं के हाथों सौंप देना. It means stand manfully against the enemy. इसका मतलब है कि आप अपने पूरी शक्ति के साथ शत्रु के विरुद्ध स्थिर खड़े हो जाएं. And standing firm, stoutly resist all his temptations. और स्थिरता के संग खड़े होकर उसकी हर एक परीक्षा का सामना करें. You know, 1 Peter chapter 5 verse 9. पहला पत्रस उसका पांचवा अध्याय नवे वचन में. 1 Peter chapter 5 verse 9. विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं. Resist him firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. It says here we have to that the devil is like a roaring lion. और याद रखिए कि शैतान तो एक दहाड़ते हुए सिंह के समान है. He is always looking for some vulnerable believers whom he can swallow. और वो हमेशा ऐसे कमजोर विश्वासियों को ढूंढ रहा है जिनको वो निगल ले. And so the apostle Paul says. और यहाँ पर पौलुस प्रेरित ये कहता है रेसिस्ट द डेविल कि शैतान के विरुद्ध खड़े हो जाओ. वी आर नॉट टू रन अवे. हमें भागना नहीं है. इफ वी स्ट्रेंथन अवर रेसिस्टिंग पावर इट विल नॉट बी वी बट द डेविल हिमसेल्फ विल रन अवे फ्रॉम अस. और अगर हम अपने खड़े या स्थिर रहने के उस पड़ाव को बनाए रखें मजबूती के साथ तो शैतान खुद हमसे भाग खड़ा होगा. Set yourself in battle against Satan. अपने आप को शैतान के विरुद्ध उस लड़ाई में खड़ा रखो. We have Jesus Christ as our captain. और हमारे पास याद रखिए प्रभु यीशु मसीह खुद
एक कप्तान के रूप में मौजूद है. सिन एंड द डेविल फॉर आवर एनिमीज, और हमारे शत्रुओं के साथ वो पाप और शैतान है. इट इज द कमांड ऑफ आवर कैप्टन, और ये हमारे कप्तान की आज्ञा है, टू स्टैंड फर्म, कि हम स्थिर खड़े रहें. वी आर नॉट टू फ्ली और टू यील्ड, हमें भागना नहीं है या शत्रु के सामने खुद को देना नहीं है. वी आर टू रेसिस्ट, हमें उसके विरुद्ध खड़े होना है. Stand firm means it's not standing silently. और स्थिर खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप खड़े रहें. The enemy must feel the pressure of our resistance so much that the devil himself will flee away. कि शत्रु को हमारे विरोध का तनाव महसूस करना चाहिए कि वो खुद वहां से भाग जाए. So it is the command of our captain. और यही आज्ञा हमारे कप्तान ने दी है. In Daniel chapter 3, और दानियल नबी की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में, we read about the three Hebrew children. वहां पर हम तीन इब्रानी बच्चों के बारे में पढ़ते हैं. When they were threatened of death, जब उन्हें मृत्यु के डर से डराया गया, if they did not fall down and worship the king's image, कि अगर वो घुटनों पर बैठकर उस राजा के मूरत के सामने दंडवत करके उसकी आराधना नहीं करेंगे, otherwise they were going to be thrown in the fire. The power of that fire increased sevenfold. अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें उस आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा जिसकी आग की तीव्रता को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया था. And in facing this, और ऐसा करने में, what did they do? उन्होंने क्या किया? They did not got frightened. वो डरे नहीं. They did not try to run away. और वो भागे नहीं. They stood their ground. वो अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे. When in the face of threat and they resisted to hold up the honor of our God. और उस डर के पड़ाव और स्थिति में वो खड़े रहे स्थिर होकर और उस परीक्षा के विरुद्ध खड़े हुए ताकि हमारे परमेश्वर का आदर कर सके. They didn't try to give a bribe and escape the situation. और उसके बाद वो कोशिश करे कि घूस देकर उस परिस्थिति से वो निकल आए. Remember my friends, मेरे मित्रों याद रखिए, God has furnished us with proper armor. परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत सुरक्षा कवच दिया है. This armor is fully equipped. और इसमें हर प्रकार पूर्ण रीति से परमेश्वर ने इसे तैयार किया है. You know why? आपको पता है क्यों? We are not on a playground. हम एक खेल के मैदान में नहीं. We are not in a picnic spot. हम कोई पिकनिक करने के लिए किसी पिकनिक स्थल पे नहीं है. Christians, true Christians are in a battlefield. सच्चे मसीही तो एक लड़ाई के मैदान में है. Spiritual battle. और एक आत्मिक लड़ाई. Only in resisting Satan there is safety. और सिर्फ शैतान के विरुद्ध खड़े होने में ही ओ वो हमें सुरक्षा मिलती है. Oh dear children of God. और इसलिए परमेश्वर के बच्चों. Believer. विश्वासियों. That is your only hope. और यही आपकी एकमात्र आशा है. Resisting Satan. कि आप शैतान के विरुद्ध खड़े रहें. It is better for us to die in the battlefield. और ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लड़ाई के मैदान में मर जाएं. Fighting for the king. कि हम अपने राजा के लिए लड़ते हुए. Rather than to flee to be captured and be killed by the enemy's sword. इसकी बजाय कि हम शत्रु की तलवार से दौड़ाए जाएं और मार दिए जाएं. You know the devil is a coward. और आपको पता है ये शैतान एक डरने वाला व्यक्तित्व है. James 4:8. और याकूब की पत्री 4:8. What does that say? और वो क्या कहता है? Chapter 4 verse 8. और 4 याकूब की पत्री उसका 8 Draw near to God and he will draw near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा. Cleanse your hands, you sinners. हे पापी अपने हाथ शुद्ध करो. And purify your hearts. और हे दूषितो अपने हृदयों को पवित्र करो. You double-minded. Verse 7 says. और 7वें वचन में लिखा है. Submit yourselves therefore to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ. Resist the devil. और शैतान का सामना करो. And he will flee from you. तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा.
How can you do it? और ये आप कैसे कर सकते हैं? By yourself drawing near to God. और ये इसको आप कर सकते हैं जब आप खुद को परमेश्वर के निकट खींचेंगे. And then God will draw near to you. और तब परमेश्वर आपके निकट आ जाएगा. And then you resist the devil. और तब आप उस शैतान के विरुद्ध खड़े होंगे. Why he has to flee away? और क्यों उसे भाग निकलना होगा? Because he sees who is near you. क्योंकि वो देखता है कि कौन आपके निकट है. The God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. And so, wherever he sees resistance, और जहां कहीं भी वो इस विरोध को देखता है, the devil takes to flight. वो शैतान भागना शुरू कर देता है. He is an encroaching enemy. वो एक ऐसा शत्रु है जो हमेशा घात लगाए है. Therefore, he is to be resisted. और इसलिए उसका विरोध किया जाना जरूरी है. Believers, विश्वासियों, be strong in the Lord. अपने परमेश्वर में दृढ़ बनिए. Stand firm. और स्थिर खड़े रहिए. Resist the devil. शैतान का सामना करिए. By your dedication to serve God. परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और सेवा में. Draw near to God. परमेश्वर के निकट आ जाएं. He will draw near to you. और तब परमेश्वर आपके निकट आएगा. When God is near to you. और जब परमेश्वर आपके निकट है. The devil is a coward. He will flee away. तब वो शैतान एक डरपोक है और वो वहाँ से भाग निकलेगा. May the Holy Spirit grant you His grace. और होने दे पवित्र आत्मा अपना अनुग्रह आप सबको दे. Lord, we all need the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर हम सबको तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. To do things that will frighten the devil. ताकि हम वैसी बातें कर सके जो शैतान को डराए. And so bless your people everywhere. और इसलिए अपने लोगों पर हर जगह आप आशीष दें. And especially those who are listening to this. खास रीति से वे जो इस मनन को सुन रहे हैं. Strengthen their faith. उनके विश्वास को आप मजबूत करिए. Let today be a victorious day. होने दे आज का दिन एक जयवंत दिन ठहरे. In Jesus name. यीशु के नाम में. आमीन. आमीन.